हाय एवरीवन, मैं खुशबू चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल किरण प्रशिक्षण केंद्र में। मैंने पिछली बार आपको जीन्स से बचे हुए कपड़ों से मैंने आपको कपड़ा बनाना सिखाया था और जो बाकी उसका बच गया था आज मैं आपको उसका हैंड पर्स बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कटिंग करना सिखाती हूँ कि कटिंग कैसे किया जाता है। तो हमारे पास इतना बड़ा चौड़ा कपड़ा है तो हम इसके बराबर ऐसे एक दफ्ती पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस पे निशान लगा लिया। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा गोले आकार का इसमें हो जाएगा। ये देखिए कपड़ा हमारा बच भी जाएगा और ये पूरा गोल निशान लग जाएगा। तो सबसे पहले हम कागज़ पे इसको काटेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें गोल ऐसे निशान लगा के और इसको काट लेना है। तो हमने ये गोला काट लिया है। आपके पास नॉर्मल अगर कोई ढक्कन है या टिफ़िन है या कोई भी चीज़ जो जितना आपका जींस का कपड़ा बचा हो या अदर कोई कपड़े पे बनाना चाहते हो उतने बड़े गोले आकार का कोई भी चीज़ ले लीजिए। गोला, चौकोर, आप जैसा चाहें, जिस शेप में चाहे आप ऐसा बना सकते हैं। मैंने बाकी कागज़ उठा कर रख लिया है क्योंकि हमें यहाँ का कटिंग करना पड़ेगा, बीच में चैन लगेगी, तो इसलिए मैंने इस कागज़ को अभी बचा के रख लिया है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस कपड़े पर इसको रख के और मेल्टिंग चौक से निशान लगा लेना है। तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो हमने इस पर निशान लगा लेना है। अब हमें इसे काट के जैसे हमने कागज़ काटा है वैसे हमें इसको काट लेना है। तो चलिए काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दो काट लिया है। अब हमें करना क्या है कि अब जब हमने ये काट लिया है तो हमें इसे बराबर करके रख देना है और हमें निशान लगाना है कि हमें चैन कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो हम यहाँ से चैन यहाँ तक लगाएंगे। तो इसका हम जो है नाप ले लेंगे कि कितने का है, कितना इंच आ रहा है। तो हमारा जो है 11 इंच यहाँ से यहाँ तक का है। तो इतना हमें यहाँ पे कागज़ पे निशान लगा के कि कितना चौड़ा हमें बैग बनाना है। चौड़ाई हम बाद में नापेंगे, पहले हम 11 इंच इसको नाप लेंगे। तो इसके लिए हमें टोटल 3 पीस काटना पड़ा। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैंने इसका मेज़रमेंट लिया था। ये जो लंबा पॉइंट है गोल साइड का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 11 हुआ था और यहाँ से यहाँ तक ये 6 हुआ है। तो मैंने दो पट्टी काट ली है। ये देखिए एक ये 6 वाली है, 6 इंच, और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, इसकी भी है 2.5 इंच, इसकी भी है। इसके फटने वटने से कोई दिक्कत नहीं, आप सेलो टेप लगा लीजिएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास कटिंग अपने घर की हो जाएगी, फिर आप जब चाहें तो आराम से अपने कोई भी चीज़ रख के, कोई कपड़ा चाहे जो भी कपड़ा हो, नया पुराना जो भी आपके पास बच जाता है, आप उससे इसको पर्स बना सकते हैं। तो हमें एक कपड़ा इतना चौड़ा काटना पड़ेगा, ये देखिए इतना चौड़ा, इतना लंबा 11 इंच, और एक हमें जो है 2.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई चाहिए। तो पहले हम इसका कपड़ा काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक 11 इंच वाला निशान लगा लिया, एक 6 इंच का लगा लिया है। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो हमारा काला कपड़ा कट गया है। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़रूरी इसमें क्या होता है। हमारे पास कैरी बैग हमेशा रहता है तो ये हमारे कपड़ों को जो है वॉल्यूम देता है, और जैसे कोई भी आप नॉर्मल बैग लेते हैं तो उसके अंदर अस्तर लगा होता है, तो आप ये अस्तर का भी काम करता है। तो सेम चीज़ जैसे मैंने इसका काटा है ब्लैक कलर का, वैसे मैं अस्तर की जगह मैं इसे काट लूँगी तो इससे मेरा जो है बैग और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। तो मैंने दो दो पीस काट कर लगा दिया, लगा के रख दिया है। इसे मैं पिनअप कर दूँगी। पिनअप करने के बाद इसे पूरा चौकोर सिल दूँगी ताकि अच्छा लगे देखने में। अब ये है मेरे पास, और ये जो 11 इंच का है तो इसे भी हम काट लेंगे 11 इंच, और ये जो 6 इंच का है 6 इंच में हम यहाँ पे जो 2.5 है यहाँ को हाफ कर देंगे ताकि यहाँ पे चैन लग जाए। तो यहाँ पे चैन लगाना है इसलिए इसको जो है बराबर फोल्ड करके और हमें कट कर लेना है, और फिर हमें अस्तर इसके लिए काटना पड़ेगा और इसमें चैन लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये अस्तर भी काट लिया है और हमें इसमें चैन अटैच करना है, सो इसे भी काट लिया है। ये अब
आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए तो मैं बता दूँ आपको। देखिए ये 2.5 इंच इसकी चौड़ाई थी और 6 इंच इसकी लंबाई थी। मैंने जानबूझ के भी थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है ताकि जो है हम इसमें आराम से एडजस्ट कर सके, और उसके बाद फिर काट देंगे साइड साइड से काट के चैन लगा देंगे। तो इसे भी हम काट लेंगे और कच्चा कर लेंगे। तो जैसे हमने इसे कच्चा किया है एक साइड, और मेरे पास ग्रे कलर का जो है चैन रखा है, आपके पास जो कलर का हो आप वो लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम मैचिंग लगाएं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हो। तो इसे दूसरे साइड में जो है हम ऐसे रख के और इसको कच्चा कर लेंगे इधर से, फिर इसको इधर रख के इसको कच्चा कर लेंगे। तो चलिए हम आपको इसको भी कच्चा करके दिखाते हैं, बाकी को हम सब कच्चा कर लेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो इसे मैंने कच्चा कर लिया है, ये देखिए। इस पर हमें मशीन चलाना होगा और एक इधर से जोड़ा है मैंने और एक इधर जोड़ा है। बीच में हमें ब्लैक कलर के धागे से इसके ऊपर चला देना है और ये भी मैंने इस भी कच्चा कर लिया है। ऐसे ही हमें पूरा कच्चा कर लेना है। और दूसरे वाले में मैंने एक एक्स्ट्रा पॉकेट बनाने के लिए, अंदर कार्ड वगैरह रखने के लिए, मैंने ऐसा एक आधा हाफ गोला काट लिया है और इसको मोड़ के और जस्ट इसके पीछे हमें यूँ इसको भी रख के कच्चा कर लेना है। तो इसमें हम कोई भी सामान आराम से रख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए सबको सिल लेते हैं। तो अब हमें इसे पूरा कच्चा कर लेना है। तो हमने ये सिल दिया है, ये देखिए। अब इसे भी कच्चा कर लेंगे, सॉरी सिल लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये पॉकेट हो गया और ये हमने सिल दिया है। अब ये जो हमने कच्चा किया था इसे भी हम काट लेंगे। ऐसे में सिलन खोलने में आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने इस पे मशीन चला दिया है। जहाँ तक खुल जाएगा वहाँ तक निकाल देंगे, जहाँ नहीं खुलेगा उसे उसको हम पीछे साइड से कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमें बस ऐसे निकाल लेना है। ऐसे ही हम सबका कर लेंगे। हमसे किसी ने कहा था कि उसके पास पिन नहीं मिलता वहाँ पे। तो देखिए ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास पिन नहीं हो तो आप इसको पिन नहीं कर सकते। देखिए आपके पास ये नॉर्मल सुई भी तो होगी, चाहे सिलाई मशीन की हो चाहे आपके पास नॉर्मल हाथ वाली मशीन की, मतलब सॉरी हाथ की हो। तो आप एक काम कीजिए ना, इसे बराबर जैसे कर लेते हैं। ये देखिए एक मिनट पहले इसे हमें बराबर कर लेना है। जब आपका स्तर बराबर होता है तो आपके कपड़े भी में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम सबसे पहले इसको 20 से ऐसे पिनअप कर लेंगे तो हमारा जो है ये कपड़ा कहीं नहीं भागने वाला। और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप एक यहाँ लगा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एक लगाया है, आप इसके बगल में जस्ट अपोजिट साइड ये देखिए ऐसे लगा लीजिए, तो भी आपका कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। फिर आप सिलते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपको लगाने के बाद इसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप जैसे नॉर्मल वो लोग पिनअप करके दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह पे सब जगह पे, तो आप ऐसे भी पिनअप कर सकते हैं। इसको निकालते जाइए, सिलते जाइए। तो इसे मैंने चारों तरफ बराबर बराबर करके टाँग दिया है। अब हमें इसे कच्चा नहीं डायरेक्ट सिल देना है पूरा। और ये जो मैंने पर्स बनाया था पैसे रखने के लिए, ये देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मुझे इसको क्या करना है,
इसको पूरी तरीके से सिल लेना है। तो चलिए हम इसको सिल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि बनने के बाद ये कैसा लगता है। तो हमारा ये बैग सिल के कम्प्लीट हो गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा गोल एकदम सिल गया है और इसके नीचे मैंने जो सिलाई है उसके ऊपर भी एक कपड़ा लगाकर सिल दिया है, ये देखिए। और मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने साइड में पर्स लगाने के लिए कहा था, ये देखिए ये पर्स भी मैंने लगा दिया है। तो हमारा गोल वाला बैग ये तैयार हो गया। हमने साइड में ये वाला हैंड कैरी करने के लिए ये डोरी लगा दी है, आप ऐसे पकड़ सकते हैं, ये देखिए। इसके अंदर मैंने कागज़ भर दिया है ताकि आपको सेफ समझ में आए। और अंदर एक जेब लगाया था जो मैंने पहले दिखा दिया आपको थोड़ी देर पहले। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा ऑल नोटिफिकेशन आप पर मिलता रहे, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो दिख जाए। थैंक यू।